से पहले हम 10th क्लास में जाते हैं, फिर 12th में आते हैं, फिर लगता है ग्रेजुएशन भी कर लें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें. सो आई थिंक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज मेंट टू बी प्रोड्यूसर, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे मौका दिया जा रहा है अपनी फिल्म में प्रोड्यूस करने का. सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज. मैं रहता था और केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में मैं पढ़ा हुआ हूँ. सो कमिंग टू कलकत्ता हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. मैं हर बार जब अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए जाता था और अपने प्रोड्यूसर्स को बोलता था कि मुझे कलकत्ता जाना है, आज तक हुआ नहीं था. सो एज अ प्रोड्यूसर द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई टीम वॉज वी स्टार्ट विद कलकत्ता एंड देन वी डू द रेस्ट ऑफ द प्रमोशन. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कलकत्ता आना, और मैं अभी भी आया हूँ. और सबसे पहले मुझे लगता है जैसे मैं लड़कियों की, देवियों की इज्जत करता हूँ, मैं काली मंदिर गया था टू पे माई रिस्पेक्ट, बिकॉज आई थिंक वीमेन हैव डन एवरीथिंग फॉर मी. एंड जिस तरह से मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, मुझे लगता था कि इट वॉज इम्पोर्टेंट टू बाउ डाउन. और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ हैं, और दादा थोड़ा धक्का धुक्का नहीं मारेंगे, उनको जगह देंगे तो खुशी मिलेगी उनको भी और आपको भी. सो एक्शन हीरो फिल्म जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, जब मैंने शुरू किया था सबसे पहला इंटेंशन ये था, चूँकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ और मेरे फादर आमी में, तो मैं हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा हूँ, मैंने रियलाइज़ किया था कि बहुत टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिलता है. सो जब हमने IB 71 की कास्टिंग शुरू की थी, सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज, हमें 30 एजेंट्स की ज़रूरत थी. सो हमने बोले एक्टर्स को नहीं देखा जो ज़्यादा काम कर रहे थे या बहुत दिखते थे. मेरे दिमाग में जो भी था, जिनको मैंने कभी देखा था एक्टिंग करते और मुझे लगता था बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा उनको ऑडिशन के लिए ज़रूर बुलाया जाए. हमने जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वी केप्ट एन ऑडिशन फॉर एवरीबडी. पीपल हु वर नेवर ऑडिशन, जिनको अक्सर बुलाया भी नहीं जाता था, वी स्टार्टेड कॉलिंग पीपल लाइक दैट. संकल्प रेड्डी की जब मैंने गाजी अटैक देखी थी, मुझे लगता था इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. सो आई वेंट टू हैदराबाद, आई टोल्ड हिम द आइडिया एंड ही लव्ड इट. सो वहीं से शुरू हो गया था सिलसिला. सो इसीलिए संकल्प रेड्डी बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं भी नया था और मुझे बहुत लोग नहीं जानते थे. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल हु स्टूड बाय मी, बिलीव्ड इन माय टैलेंट. सो आई थॉट अब समय आ गया है कि मुझे भी वो सब करना चाहिए, क्योंकि रियल टैलेंट तो वहीं पर है. जो हमारे कैमरामैन भी हैं वो साउथ से हैं. संकल्प रेड्डी आफ्टर विनिंग अ नेशनल अवार्ड इतना काम नहीं कर रहे थे, बट ही हैज़ पोटेंशियल लाइक नोबडी एल्स. ऑल द एक्टर्स, हमारे पास अनुपम खेर साहब हैं, दिलीप ताहिल हैं, विशाल हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट वर्क विद पीपल हु जेन्युइनली हैव द पोटेंशियल, विल गिव इट ऑल. और मज़े भी आएंगे सर. अक्षय सर हैं, धर्मिंदर थे, सबकी अलग जर्नी होती है, मेरी भी थोड़ी अलग तो होगी ही होगी. और बच्चों की, मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदुस्तान को कलरी पाइट में. बहुत कम लोग जानते हैं इंटरनेशनली की कलरी पाइट जो मार्शल आर्ट है हिंदुस्तान की है, और दुनिया की जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं वो यहीं से निकली हैं, चाहे वो कराटे हो, कंग फू हो. सो जब मैं आया था, मेरा एक मिशन तो था कि लोग जानें कि ये हिंदुस्तानी कला में बहुत पोटेंशियल है. एज अ प्रोड्यूसर, जब मैंने IB की स्टोरी सुनी थी, मुझे लगता था बहुत ज़रूरी है सीक्रेट सर्विस के बारे में सर. और जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त से भी मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने फिल्में देखी हैं, वो बोलते हैं CIA. लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, उनको पता है कि इंग्लैंड का खुफिया विभाग, दैट इज़ अ सीक्रेट सर्विस, इज़ MI. लोग KGB के बारे में जानते हैं, मोसाद के बारे में जानते हैं. मगर जब मैं इंडिया का पूछता हूँ, दे गेट कन्फ्यूज, उनको लगता है कि कौन सी है, CID तो नहीं है, रॉ है, क्या है. आज तक इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनी नहीं है. ये वो लोग हैं जो आज के ज़माने में, हर आदमी को पब्लिसिटी, फेम चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. ये वो लोग हैं जो नौकरी ज्वाइन करते वक्त सोच लेते हैं कि ना ही किसी को बताएंगे उन्होंने क्या किया है, ना ही ये फेम के लिए करते हैं. 50 साल पहले ये कहानी हुई थी जो सच्ची कहानी है. सब जानते हैं 1971 की वॉर, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, इसके बारे में जानते हैं, बट इसके पीछे क्या क्या हुआ था बहुत कम लोग जानते हैं. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल द स्टोरी, हेंस IB 71. नहीं है, मगर दिखता नहीं है. अगर माइकल जैक्सन से आप पूछेंगे कि तुम पॉप स्टार हो और अब जाके कुछ और करो, माइकल जैक्सन वो बहुत अच्छा करते हैं, उनको करने देना चाहिए. सिमिलरली हमारे विराट कोहली को पूछा जाए जाके तुम इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, जो बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं. सो फॉर मी, मैं मार्शल आर्ट रिप्रेजेंट करता हूँ,
खुदा हाफिज की थी जहाँ पे मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं प्ले कर रहा हूँ, एक कॉमन मैन है जिसको लड़ना भी नहीं आता है, मगर मजबूरी में अगर लड़ना पड़ जाए तो कॉमन मैन भी तो लड़ सकता है, अगर उसकी बहन पे या किसी जान पहचान पे कुछ हो रहा हो, आपने नहीं भी लड़ा हो तो अंदर की एक लड़ाई होती है जो लड़ लेता है। सो आई बीन प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो उनको श्रेय तो जाता है, दे डू गेट द क्रेडिट, एंड उसके बाद लोग जानने लग जाते हैं, आपके दोस्त पहचानने लग जाते हैं कि अरे हाँ तुम्हें ये खासियत है। मदर्स आर अमेजिंग, वुमेन आर अमेजिंग, I've been inspired a lot by them. I think the way they love you is very different. So I think women need respect. मैं काली मंदिर क्यों गया था? पहले आशीर्वाद दे लेते हैं, फिर संभालेंगे सबको। This happened in the 1971, and it's about the secret service. Nobody ever spoke about it. लोग जानते हैं गंगा हाईजैक के बारे में, मगर क्या हुआ था कोई नहीं जानता है। Like imagine a hijack happened, and 50 years later, nobody knows. Those 30 passengers never spoke about it. अच्छा 30 पैसेंजर्स तो छोड़ देते हैं, उनके बच्चों ने भी कभी बात नहीं की। इमेजिन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, द रूल्स दैट वी फॉलो। सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू मेक अ मूवी ऑन दिस, वी गॉट परमिशंस, इट टुक अस अ व्हाइल, 50 साल हो चुके हैं, इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेल अ स्टोरी। वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, द सीट केम टू मी थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड आदित्य शास्त्री, ही हैड दिस आइडिया। I thought we need a director who's capable enough to tell the story. We went to Sankalp Reddy. We together sat down. We started figuring out how to find the truth, how much information to gather. Like we went everywhere. We found everything that we could, and that's how we made them. CIA के बारे में जानते हैं, MIA के बारे में जानते हैं, हिंदुस्तान में थोड़ी clarity कम है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे I've had 3 generations serving the Indian forces. I have lived with these people. मेरे फादर पंजाब में पोस्टेड थे सर, एयरफोर्स स्टेशन में, आदमपुर में। I've had friends who lost their parents on accidents. I was in the military school sir, and I had friends who joined the army. I lost them in the Kargil war. So for somebody like me who's seen this up close, I've witnessed these warriors, it was important to tell a story. और बाकी हनी ट्रैप तो कहीं पर भी हो सकता है, मगर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हनी ट्रैप में ना फंसो। I can give you a lot of reasons. Number one is that we have never had a movie on the intelligence bureau. I have played characters. मैं फिल्में देखता हूँ जहाँ पे raw agent होते हैं, वो ये करते हैं। Number one बात तो ये है सर। उसके अलावा this is a story that hasn't been spoken about for 50 years. This puts the Indian intelligence bureau on the top league of secret services, which we never discuss because we don't have movies on this. It's a true story that happened. To give you a better perspective, sir, why? Let's talk about the current scenario. We've got an imperious country like Russia, who's attacked a smaller country. एक साल हो गया सर, अभी तक जंग खत्म नहीं हुई है। This battle of 1971, we finished it in 13 days. We divided a country, that is Pakistan, into East and West Pakistan, को हमने तोड़ दिया था सर, सिर्फ 13 दिनों के अंदर। This cannot just be bravery, bravado. It is a lot of intelligence. Hence, the Secret Service of India. Imagine finishing a war in 13 days and getting the respect for it. Kashmir mein shooting ki thi. Main originally hoon Jammu se. Hoon main fauji. Hindustan ke har kone mein raha hoon. But mujhe hamesha lagta tha ki Kashmir mein shooting karte nahi hai log dar ke mare. And 1970s, 80s mein humne bahut sundar sundar filmein dekhi hain. So mujhe laga kyun na chance bhi jaye. We should base the movie in Kashmir. We shot about 50 days in Kashmir. Hum pehli film hai jisne Kashmir mein shooting ki hai. मैंने अपनी तरफ से तो बहुत सुंदरता दिखाने की कोशिश की है। नॉर्मली लोग गाने गुने करते हैं, मैंने थोड़ा एक्शन कर दिया है कि हिंदुस्तान में जहाँ पे भी टैलेंट है, आई वुड लव टू वर्क विद द डायरेक्टर्स, द एडिटर्स, द राइटर्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ द पीपल इन कोलकाता। मूवी ऑन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ और जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ तो जिस मेरे दोस्त आते हैं वो रोड नहीं क्रॉस कर पाते हैं, उनको लगता है कि बहुत ट्रैफिक है, ये दब नहीं जाएंगे, पर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। वी क्लाइम ऑन ट्रैम्स, वी क्लाइम ऑन ट्रेन्स, बसेस, वाइल्ड वी रन, बट जो बहुत ख़तरनाक स्टंट्स करते हैं अंग्रेज़, उनसे होता नहीं है, वो रोड नहीं क्रॉस कर पाते हैं। उस पर हमने एक फिल्म बनाई है कि किस तरह से हर हिंदुस्तानी एक्सट्रीम स्पोर्ट की ज़िंदगी जीता है, उस पर फिल्म है सर।